जी हो गया, हो गया। सो व्यूअर्स, ये है रत्ती गली बेस कैंप, जहाँ एक सर्द और हसीन सुबह का आगाज हो रहा है। पहाड़ों के बीचों बीच वाकया ये जगह एक खूबसूरत मुकाम का पता देती है और उस जगह का नाम है रत्ती गली झील। इस झील का शुमार हिमालय के कुछ अजीम शान लेक्स में होता है जो कि नीलम वैली कश्मीर में वाकया है। बेस कैंप से झील तक रसाई कुछ खास दूरी पर वाकया नहीं, अलबत्ता झील तक पहुँचने के लिए दो जरिए हैं, जिसमें आप एक घंटे की ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ मौजूद घोड़े पर सवार होकर 20 मिनट में झील तक पहुँच सकते हैं। इस व्लॉग में हम एक दिन में दो काम करेंगे, एक तो इस खूबसूरत झील को करीब से देखेंगे और इस जगह रत्ती गली के बारे में तफसीलन जानेंगे, और दूसरा रत्ती गली बेस कैंप से द्वारियाँ तक वापसी करेंगे, जो कि मेरे लिए एक मुश्किल काम होगा। जैसा कि आप लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं कि मैं और मेरी बाइक यहाँ तक पहुँचने की कोशिश में काफ़ी बार गिर चुके हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो महफूज रहा। हाँ, अलबत्ता मेरी बाइक में कुछ सीरियस इश्यूज आए हैं, जिसे इसी हाल में सही सलामत नीचे द्वारियां तक ले जाना होगा, जो कि एक मुश्किल काम है। खैर, फिलहाल हमें अपनी प्राइज्ड लेक रत्ती गली की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आइए हार्डेस्ट ट्रैक ऑफ आजाद कश्मीर की एपिसोड नंबर 2 का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओके दोस्तों, वी आर रेडी टू ट्रैक। ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त रत्ती गली बेस कैंप पे, तो मैं आपको सराउंडिंग दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये बेस कैंप है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जनाब, बिल्कुल हर किस्म की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, यहाँ पर कैंटीन्स हैं, टक शॉप्स हैं, किचन्स और एवरीथिंग। ये देखें, तो ये हमारे दोस्त हैं फरीद भाई। फरीद भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। फरीद भाई, इस जगह के बारे में कुछ बताएं। कश्मीर की मशहूर सियाती मकाम, मशहूर तरीन जी, और यहाँ पे सबसे खूबसूरत झील है एशिया की, रत्ती गली झील। और यह रत्ती गली बेस कैंप इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे रिहाइश के लिए आला कैंप, वीआईपी बेहतरीन खाने, मज़ेदार चौधरी टेंट विलेज में आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सीज़न जो है आपका, ये कब से लेके कब तक होता है? यह सीज़न शुरू होता है 20 जून के बाद। अच्छा, 1 जुलाई से रख लें तो 20 जून को रास्ते खुले होते हैं। 20 अक्टूबर तक ये रहते हैं, उसके बाद भी रहता है अगर बर्फ ना पड़ जाए। अच्छा, वरना 15 अक्टूबर तक ये खुला रहता है। यह 1 जुलाई से रास्ते खुल जाते हैं। और आपके पास तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है, जो भी ऑर्डर करें आप, चिकन कढ़ाई, ट्राउट, फिश। और जो आपका कैंप है वो क्या पर नाइट आप देते हैं? वो देते हैं हम पर मैट्रेस 500 रुपये, 600 रुपये। 5 मैट्रेस वाला 3,000-2,500 में कैंप मिलते हैं। अच्छा, और कितने बंदे आ जाते हैं उसमें? 6-7 बंदे आराम से, 8 बंदे। और खाने का क्या हिसाब था? मैं रोटियां वगैरह, खाना भी बिल्कुल मुनासिब है। चिकन कढ़ाई आराम 2,200-2,300 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, और ट्राउट फिश भी होती है? ट्राउट फिश भी है, वो 4,500-5,000 में फ्राई करके दे रहे हैं किलो। ये जरा यहाँ से गाइड करें, ये जो रास्ता सामने जा रहा है ये रत्ती गली की तरफ जा रहा है? ये जो रास्ता सामने जा रहा है ये सीधा रत्ती गली झील के पास जा रहा है। अच्छा, VIP ट्रैक बना हुआ है, कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बेस कैंप तक गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से आगे घोड़े भी हैं, कोई घोड़ों पे जाना चाहे। हाँ, वो खड़े हैं। और घोड़ों पे क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे लगते हैं घोड़ों पे? घोड़े पे 1 साइड 500 रुपये लेते हैं। 1 साइड 500 रुपये, आने जाने के 1,000। अच्छा, ये बताएंगे जो रत्ता सर के लिए, हंसराज के लिए जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? वो
वो पहाड़ी नजर आ रही है रेड कलर जी जी जी, इसके बिल्कुल पीछे बैक साइड पे है, पैदल दो ढाई घंटे की ट्रैकिंग है। और उसके बाद वही रास्ता लिंक करता है रतिगली झील को, वही रास्ता इधर से झील से होके उधर आंसराज की तरफ चला जाए, इधर नीचे से जाए वापस आके रतिगली टच करके नीचे आ जाए। जबरदस्त हो गया। तो ये टोटल दोनों ट्रैक कितनी देर में हो जाते हैं? ये एक दिन तकरीबन सुबह अगर 8-9 बजे निकलो तो 1:30-2 बजे तक आप करके आ सकते हैं, रतिगली झील भी आंसराज भी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह चलते हैं। ले दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम रतिगली, इधर घोड़े वगैरह मौजूद हैं। जब घोड़े मौजूद हैं तो पैदल ट्रैकिंग की क्या ज़रूरत है, 300 रुपये के लिए इतना खून जलाना है अपना, 300 रुपये लिया घोड़े ने, हमें ऊपर रतिगली झील छोड़ेगा। कासिम अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी यहाँ से बेस कैंप का नज़ारा है, कितने खेमे लगे हुए हैं, भरपूर तरीन यहाँ पे इंतज़ाम है, हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है, खेमे सस्ते ही मिल जाते हैं, लेकिन आएँ सितंबर में आप, अगर आप आएंगे सीज़न में तो खेमे 2500-3000 के, और अगर ऑफ सीज़न में आते हैं तो 500-1000। घोड़ा भी ये जो हम ले कर जा रहे हैं, इसका हमारा मूड ये बन गया था कि हमने पैदल जाना है, लेकिन जब इनकी कीमत सुनी है 300 रुपये में हमें ले कर जा रहे हैं रतिगली झील, तो इनका रेट सुन के हमारा दिल खराब हुआ है। नहीं तो हमने पैदल ही जाना था। रतिगली के इस ट्रैक के दोनों तरफ खूबसूरत मनाजर हैं, एक तरफ मैदान और एक छोटी सी झील, और ट्रैक के दूसरी तरफ नीले और बहुत से रंगों के फूल जिनकी खुशबू फिजा में मामूर रहती है। अगरचे सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन ये धूप इस सर्द जगह में जिस्म को तस्कीन बख्श रही थी। खैर, इस ट्रैक के अलावा एक दूसरा ट्रैक भी रतिगली झील की तरफ जाता है, जो हम झील से वापसी पर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक खूबसूरत आबशार जिसको आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, और दीगर दूसरी झीलें जिसमें कालासर और रत्तासर जैसी दिल फरेब झीलें शामिल हैं। ये ग्लेशियर है, बर्फ है और क्या। खैर, कुछ ही मसाफत के बाद हम रतिगली झील पहुंच गए, जहां हमारे अलावा फिलहाल कोई नहीं था। Isn't it beautiful, दोस्तों? क्या बात है। तो ये दोस्तों मुकामी है, ये शारदा से खरी गांव से आ रहे हैं, खरी गांव से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। तो वो रास्ता कहाँ से आता है? वो रास्ता ये सामने पहाड़ियों की तरफ से ऊपर से जी। तो कब से चले हुए हो? सुबह 5 बजे। ओए होए होए, इतना मुश्किल ट्रैक कैसे किया यार आप लोगों ने? बस क्या करें, कुछ सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होता इधर? नहीं नहीं। अच्छा, ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह, हल्की उम्र के हैं सारे, और माशाल्लाह इंजॉयमेंट करते हुए आ रहे हैं। स्पीकर भी एक छोटा सा रखा हुआ है और सोलर पैनल वाला स्पीकर है। तो ये अभी डांस कर रहे थे जो मुकामियों का अपना एक कस्टम डांस होता है। तो अभी कहाँ पे जा रहे हैं आप? अभी इधर ही हैं, थोड़ा इंजॉयमेंट करेंगे। कहाँ से जाएं, वापस जाएंगे? खरी गांव से। सही है, ज़बरदस्त है यार, वेरी गुड, टू थम्स अप। रतिगली झील का नाम सुनकर ही एक जादुई मंजर जहन में उभर आता है। इस झील का पानी इतना शफाफ है कि आप नीचे तक देख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यह झील बर्फ से ढक जाती है, और गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यह झील सब्ज नीला पानी लिए एक तलिस्मी मंजर पेश करती है। रतिगली झील की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 12,130 फुट है, और इस झील को ग्लेशियर फीड कहा जाता है क्योंकि इसका पानी इर्द गिर्द के ग्लेशियर से आता है, जो हर साल मौसम सरमा में जमने के बाद गर्मियों में पिघलते हैं। झील के इर्द गिर्द ऊंची और बर्फ पोश पहाड़ इस झील के हुस्न को और भी बढ़ा देते हैं।
यहाँ चारों इतराफ खिले हुए फूल सिर्फ झील की जीनत ही नहीं बल्कि इनकी मशहूर कुन खुशबू भी नयाब तोहफा है। शायद इस झील तक पहुंचने का दुश्वार रास्ता यहाँ के कुदरती माहौल को अभी तक बचाए हुए है। ऐसी जगहों की खूबसूरती को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि यहाँ सैर के दौरान सफाई और कुदरती माहौल का खास ख्याल रखें। अगर आप फितरत की खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं तो रत्तीगली झील आपकी फहरिस्त में जरूर होनी चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जहां सुकून, खूबसूरती और इनफरादियत के तमाम रंग मौजूद हैं। तो ये नाला क्रॉस करना है, इधर से आ रहा पानी और यहाँ से होते हुए उस तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे नीचे आबशार भी है और वहाँ से कुछ अच्छे शॉट्स अगर मैसर हों तो वो भी लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, जी हम इस तरफ आ गए हैं। ये नीचे आबशार जा रही है, दिखाते हैं आपको। ये देखें दोस्तों कितना स्टीप है यहाँ पे। ये आबशार आ रही है, आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। वो सामने बेस कैंप है जी। बहुत गहरा है यहाँ। ओके दोस्तों, रत्ती गली लेक से वापस जाने का वक्त आ चुका है। बेस कैंप वो सामने है, मैं देख सकता हूँ। तो अभी चलते हैं बेस कैंप और बेस कैंप जाके कुछ खाएंगे। अभी तो तकरीबन दोपहर हो चुकी है, आई गेस एक घंटे से ज़्यादा लग जाएगा हमें वापस जाते हुए। तो उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, खाना वगैरह खा के इंशाल्लाह अपनी बाइक्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नीचे की तरफ, दुवारियों की तरफ। काफ़ी स्टीप है, नीचे जाना भी उतना मुश्किल है जितना ऊपर आना मुश्किल है। तो अब जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से रत्ती गली लेक से नीचे दुवारियों की तरफ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, ये देखें वो सामने से उतर के आए हैं। काफ़ी स्टीप ट्रैकिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह करके आ गए हैं। ओके, जो ट्रैक बना हुआ है वो उस तरफ से जो आप देख रहे हैं वो ट्रैक बना हुआ ऊपर जा रहा है, हम जो ट्रैक ले रहे हैं ये दूसरी तरफ से आ रहे हैं, यानी कि ये जहाँ से आबशार है यहाँ से क्रॉस करके उसके बाद वहाँ से उतर के नीचे आ रहे हैं। तो एक पूरा राउंड ले के आ रहे हैं ताकि ज़रा और मज़ीद अच्छे तरीके से इस मैडोज़ को देखें। यहाँ पे नीले फूल जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें ब्यूटीफुल इज़न्ट इट।
की फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बेस कैंप आ चुके हैं वापस। अब जा रहे हैं अपने खेमे में और बैठ के ज़रा थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद नीचे जाने की तैयारी करते हैं द्वारियां की तरफ। ये जितना ट्रैक हम बाइकों पे ऊपर करके आए हैं रत्ती गली बेस कैंप तक, अब ये नीचे करके जाना है। तो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद इंशाल्लाह नीचे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। लेकिन दोस्तों तकरीबन कल जिस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे थे वही वक्त आ गया हमें। दरअसल ट्रैक से आके हम गए सो और हमें हो गई देर, तो बस उठे हैं फटाफट, मुँह हाथ धोया, खाया भी क्या, बस कुछ इतना ख़ास नहीं, चावल थे थोड़े से वो उनसे लेकर खाए हैं, और अब कर रहे हैं वापसी दुआरियां की तरफ। अल्लाह से दुआ है कि खैर वफ़ियत से हमारा सफ़र हो जाए, क्योंकि बहुत ही टफ सफ़र है, स्टीप बहुत है। तकरीबन 4:30 का टाइम है यार, गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। जो हम सो गए हैं ना, और हमें पता भी नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर अभी तो फुटरस मेरा टूटा हुआ है, तो पिछले फुटरस पे पाँव रख के चला रहा हूँ बाइक। हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा ना राइड को। 5:06 हो गए हैं, वही 2 घंटों में तो ये कभी भी नहीं होना भाई, बड़ी बात होगी 2 घंटों में कर लेंगे, इवन दो के सिर्फ उतराइयाँ ही हैं। अभी वो जो होटल आना है ना, उससे आगे स्टीप उतराइयाँ आनी है सही वाली। जी जी ओ गया, गया, ओ गया। ठीक हो गया, नहीं नहीं मैं सेट हूँ, मोटरसाइकिल खड़ी करो यार, वो टायर फिसल गया। उधर से स्टैंड लगाओ जरा, देखो जरा कौन काम तो नहीं खराब हुआ। स्टैंड खराब हो गया उधर, छेड़ ये पत्थर है नीचे, पत्थर है नीचे, ठहर जा, मैं क्रॉस करा दूं। नहीं मैं कर लेता हूँ, आपने अपनी बाइक इस तरह नहीं थी फेंकनी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं देखो मैं स्टैंड पे लगा के आया, छोड़ दो मैं गुजर जाऊंगा। ये होता फ्रंट ब्रेक का नुकसान। ये ना फ्रंट ब्रेक दबाई है मैंने, टायर आगे से स्किड हो गया, क्योंकि पैडल तो है नहीं, फुल नहीं थी, इशारा ही दिया बाइक ने, भी इशारा दे दिया कि आ जा भाई बहुत हो गई है। हैं कोई बात नहीं, क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम मुझे जेन्युइन सिर्फ गियर पे गुजारा करना पड़ेगा, नहीं लीवर टूट जाएगा, क्योंकि उस पर कितना प्रेशर देना है वो डिसाइड करता है आपका फुटरस। नहीं असल में ना फुटरस के ऊपर पैर रखते हैं ना तो ब्रेक का अंदाजा हो जाता है ना, यहाँ पे भी खतरा है मेरे लिए, इसको पैर नीचे लगा के। चल गुजर जाएगा ये।
पैडल ब्रेक का इस्तेमाल कर ले। चलो आओ, पैडल ब्रेक हल्की 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 हल्की, गियर में है, क्लच नहीं दबाना, क्लच छोड़ दो। गाड़ी जो है ना उसको किल स्विच कर दे। हाँ, गियर के ऊपर नीचे आने दे, बंद हो गई गाड़ी, संभालनी है बस बाइक, बाइक तो खुद ही नीचे आ रही है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से गुजर जा गुजर जा गुजर जा। ले भाई, ये पहला स्टॉप आ गया हमारा, इधर ज़रा मैं हाथ धो लूँ, पानी पी लूँ, फिर आगे निकलते हैं। थोड़ी सी अभी रोशनी बची है। हाँ, यहीं से पानी पी ले आगे तू भी। लाइटें चल गई हैं, ये खतरनाक उतराई हैं आगे, बिल्कुल स्टीप उतराई हैं अब। सुभान अल्लाह सुभान। एक नया गट्टा खुल गया, इनका कार्बन आया हुआ है। कासम भाई की फ्रंट लाइटें नहीं चल रही, अब कुछ मसला हुआ है। चलो देखते हैं, लगी रही है। अभी वो वाला मोड़ नहीं आया, वो सबसे खतरनाक है। मेरा ख्याल बंद ही करके नीचे उतार लेता हूँ, बार बार स्टार्ट नहीं करनी। जी जी, मैं जान की दूर हूँ भाई, क्योंकि फासला रखा हुआ है, उतराई है, सीधा ही आया तो बीच में ना ठुक जाऊं आपके। चल शुक्र अल्लाह का, अब देख आगे क्या चैलेंज है। इंटरकॉम की रेंज से दूर ना जाओ। ये अब आएगी भाई, इसको गुजर लेने दे यार, मैं इधर रुक रहा हूँ, इधर आसरा कराई बस, जरा आ रहा हूँ मैं। यही है ना, यही है ना, ये है। ये बड़ी खतरनाक उतराई है उस्ताद। जाने दो जाने दो जाने दो, चलो उतरो, मैं आ जाता हूँ तेरे साथ साथ ही। आ गया बस, आ गया मैं भी। पीछे से गाड़ी कैसे स्किड कर रही है यार,
चल बाबा, जितनी भी है निकाल ले, बाकी अगली चला लेंगे। दो है मेरे पास हेडलाइट्स। लें जी, कासिम की हेडलाइट हो गई है ख़राब, उसे मैंने फोरहेड वाली लाइट दी है, वो आगे से लगाई हुई है। होए 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 होए, राम राम से, राम राम से। यहाँ पे ज़रा रेस्ट करो, बाइकों को ज़रा रेस्ट दो 10 मिनट का, रात तो हो ही गई है अब। मैं ना इसके टक्कर में खड़ी कर दूँ, ये अब नहीं जाएगी कहीं ये चीज़। पापा जी ने गाने लगाए हुए हैं, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जियो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? चाय बनाए? हाँ बस कोई मसला नहीं, दो चाय बनानी है, चीनी हल्की, पत्ती तेज। गाय का दूध है ना? गाय वाला है कि डब्बे वाला है? ओलपर वाला है, दे दो यार फिर दो पे। आओ जी टोपे शोपे ला दियो जी, ज़रा बाइकों को रेस्ट दे दें यार। दोस्तों चाय शाय पी ली है, अब फिर दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। स्टीप उतराइयाँ फिर, और अल्लाह के फजल से सही जा रहे हैं। ये देख लें आप कैसे जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा था ना, अंधेरे में कम खौफ आता है, अंधेरे में बहुत अच्छा ट्रैक हो जाता है भाई। मैं आपको बताऊं, मैंने कोई 20 बार जो चलास है ना, वो अंधेरे में की है, और यकीन करो बड़े मज़े से हो जाता है। चलास बड़ी ख़तरनाक जगह है बल्तिस्तान की। चलो अच्छा, बबून करते हैं ना, बबून के बाद सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ये आ गई है भाईजान वो जगह, ठीक है, अखरोट वाली, यहाँ से अम्मा जी ने अखरोट। यार वो अखरोट कहाँ पे हैं यार? नहीं मुझे आपने नहीं दिए थे, आपके पास ही थे। बस अखरोट खाएंगे आज रात को ना चाय के साथ, क्या ख्याल है? अच्छा रत्ती गली का ये है जी, यहाँ पे माफ़ी कोई नहीं है, चढ़ाई ही चढ़ाई है, सीधा रास्ता बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब ये देखें, ये है कि मैं पैडल ब्रेक दबा नहीं सकता, इसलिए मैं क्लच छोड़ देता हूँ, बाइक फ्री नहीं होने देता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रत्ती गली मिशन अकम्प्लिश्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट मिशन कौन सा है। मेरा ख्याल है बबून ही करेंगे नेक्स्ट। हाँ हाँ इस ओके ओके, सीधा हो, पत्थरों की खैर है, स्टीप उतराई पे पत्थर हो ना, वो ज़रा थोड़ा सा टेंशन का विषय होती हैं चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली तुआरियाँ के बिल्कुल करीब हैं, ये सड़क आ चुकी है पुख्ता, आगे से जो ऑफ रोड है वो ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दोनों तरफ का सफ़र हो गया, और दोनों तरफ का सफ़र आपने देख लिया, रत्ती गली झील भी देख ली।
तो इंशाल्लाह दुवारियां के उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां से हम ऊपर आए थे। लें तो दोस्तों फाइनली वी आर एट दुवारियां, ये वो पुल है जी दुवारियां वाला जहां से आप रत्ती गली ऊपर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र हो चुका है। ये मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखें जी ये ऊपर बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। लेट मी फोकस ऑन द बोर्ड, ये देखें। इस जर्नी का अहतमाम यहाँ पे करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है और किसी एपिक किस्म के ट्रैक के साथ आपकी खिदमत में पेश होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फैटमैन वेंचर्स, और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।